नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे रैपिड फायर वोकैबुलरी के एक और फ्रेश सेशन में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया पॉजिटिव नोट के साथ। विद आर थॉट्स वी मेक द वर्ल्ड। सो थॉट्स तो कम से कम इम्पॉर्टेंट है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू थिंक पॉजिटिव, राइट? चलिए एक पॉजिटिव नोट के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है अबॉलिश। अबॉलिश मतलब किसी चीज को समाप्त करना, किसी भी चीज का उन्मूलन, किसी चीज को समाप्त करना, किसी चीज का उन्मूलन। अगर आप इस तस्वीर को पहचानते होंगे, अगर आप इन साहब को पहचानते हैं, तो आपको इस अबॉलिश वर्ड को रिलेट करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। ये तस्वीर है, ये जो पहाड़ पे एनग्रेव करके जिनकी जिनका चेहरा बनाया गया है, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनका नाम है अब्राहम लिंकन साहब। ये अब्राहम लिंकन जिस माउंटेन पे बनाया गया है इनकी फोटो को एनग्रेव करके, ये है माउंट रशमोर। दिस इज माउंट रशमोर। मिस्टर अब्राहम लिंकन सिर्फ एकमात्र राष्ट्रपति नहीं है, ये 16th राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स के, ये सिर्फ एकमात्र राष्ट्रपति नहीं है जिनका चेहरा वहां पे बनाया गया, एनग्रेव किया गया। इनके अलावा तीन और राष्ट्रपति हैं। एक है जॉर्ज वॉशिंगटन, एक है थॉमस जेफरसन, और तीसरे राष्ट्रपति हैं ब्लैंक, ये आपको ढूंढना है। और सेकंड नाम मैं इनका आपको बता देता हूं। पहला नाम मैंने बोला जॉर्ज वॉशिंगटन, दूसरा नाम है थॉमस जेफरसन, तीसरा नाम है रूजवेल्ट। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये ब्लैंक में क्या नाम आएगा। हम लोगों ने इस वर्ड को रिलेट किया है यूनाइटेड स्टेट्स के 16th राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के साथ, और जिस माउंटेन पे इनका चेहरा बनाया गया है, इस माउंटेन का नाम है माउंट रशमोर। मैंने कहा इस माउंटेन में इनके अलावा तीन और राष्ट्र, वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन एंड ब्लैंक रूजवेल्ट, इन तीनों का चेहरा इसी तरह से बनाया गया है। अब्राहम लिंकन साहब का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 12 फरवरी। आज जरा अगर आप डेट चेक करेंगे तो आज एग्जैक्ट 12 फरवरी ही है। 12 फरवरी 1809, 1809 को इनका जन्म हुआ था। 12th फरवरी 1809। इनके देश, अब्राहम लिंकन साहब जो है, इन्होंने अपने देश का नेतृत्व किया था गृह युद्ध के दौरान, और इसके अलावा इनकी सराहना की जाती है जिस तरह से इन्होंने रास्ता दिखाया था, रास्ता बनाया था किस चीज के लिए, स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। सो हम आज के दिन 12 फरवरी को, यह है 12th फरवरी 2018 को, जिस शख्सियत के साथ इस वर्ड को रिलेट कर रहे हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स के 16th राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। फाइन, अगर आप इसका सिनोनिम चाहें तो और बहुत सारे सिंपल सिनोनिम हो सकते हैं, इराडिकेट, एविएट, एक्सटर्मिनेट, अपरूट, एनहाइलेट, ऑब्लिट ट्रेट, एक्सटर्पेट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। आज पहले कुछ वर्ड्स देखते हैं, सुनने हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। वर्ड नंबर टू, आज का सेकंड वर्ड है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब समानता, एक रूपता। अगर आपने देखा होगा तो आज ही के दिन, आज सुबह एक न्यूज आई, सुबह मेरे ख्याल है 9-10 बजे के आसपास, तो मध्य प्रदेश में एक बहुत बढ़िया न्यूज आई मध्य प्रदेश की, और वो है मध्य प्रदेश के एडुकेशन डिपार्टमेंट ने यह डिसाइड किया कि वह इम्प्लीमेंट करेंगे यूनिफॉर्म ड्रेस कोड जितने भी सरकारी टीचर्स हैं। सो दे विल गोइंग टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म ड्रेस कोड फॉर गवर्नमेंट टीचर्स। जितने भी महिला शिक्षक हैं उनको मरून जैकेट पहन के आना होगा, और जितने भी पुरुष, जितने भी मेल टीचर्स हैं उनको नेवी ब्लू। लेकिन इससे भी मजेदार बात यह है, सभी को एक टैग लगाना होगा, नेम टैग, और उस पर लिखा होगा राष्ट्र निर्माता, मेकर्स ऑफ द नेशन, इस तरह से टैग लगेगा। ये बहुत ही बेहतरीन मूव है। आज का तीसरा वर्ड आज का जो है वो है प्रूडेंट। दिस इज द वर्ड प्रूडेंट। आपने इस वर्ड को सुना होगा, प्रूडेंट, प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई, प्रोविडेंट, इसका सिनोनिम जैसे होता है पैसा बचाने वाले, सरल भाषा में पैसे का सही उपयोग करने वाले, पैसे को खराब नहीं करने वाले, प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई। आपके पिताजी पैसा सेव करते होंगे, या हो सकता है अगर आप अर्न करते होंगे तो
प्रोविडेंट फंड्स में लगाते होंगे, जो लोग पैसा कम खर्च करते थे या फ्रूगल ऐसे। अगर आपको अभी इस फोटोग्राफ को अगर आप देख रहे होंगे और पहचान पा रहे होंगे, तो यह फोटोग्राफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की है, जो अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में उन्होंने कहा कि सरकार की तकरीबन 400 स्कीम्स के आसपास हैं, जिनको आधार से लिंक करके डीबीटी, अगर आप डीबीटी का फुल फॉर्म समझते होंगे तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो सरल भाषा में पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो उन्होंने अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो दुबई में है, उसमें कहा कि कम से कम 400 गवर्नमेंट स्कीम्स को आधार इनेबल करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने की वजह से हमने सरकारी खजाने का तकरीबन 56,000 करोड़, इतने रुपए, तकरीबन 56,000 करोड़ रुपए सेव कर लिया है। और ना सिर्फ ये, मोदी जी ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान एक डिजिटल क्रांति से गुजर रहा है और धीरे धीरे हमारे समाज में कैश कम यूज हो रहा है। जैसे कि प्रूडेंट हमने कहा, वैसे प्रोविडेंट, मैंने आपको बताया आपके पिताजी या उस्ताद आप भी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते होंगे। फ्रूगल मतलब बहुत ही कम खर्च करने वाले, श्रूड पीपल आर श्रूड विथ मनी, श्रूड थोड़ा सा शार्पनेस एजिलिटी कनिंगनेस को भी कई बार बताता है, बट जैसे कि हम लोग कभी बोलते हैं ना प्रूडेंट इन्वेस्टर, ऐसा बहुत ही कंजूस व्यक्ति, तो कई बार हम लोग स्किन फ्लिंट भी बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना छोटे से तो हम बोलते थे कंजूस एकदम, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, स्किन फ्लिंट, ये सारे वर्ड्स कंपिटेटिव एग्जाम्स के बहुत फेमस वर्ड्स हैं। वर्ड नंबर फोर्थ आज का, और वर्ड नंबर फोर्थ है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब होता है फॉल्स, फेक, ऐसा। यूजुअली स्प्यूरियस वर्ड सिग्नल के लिए यूज होता है। अभी आज अगर आपने न्यूज देखा होगा, तो मुंबई से अहमदाबाद की जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी, टेक ऑफ करने जा रही थी, तो उसके टेक ऑफ को अबोर्ट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, टेक ऑफ को उस कैंसिल कर दिया गया, और उसमें बैठे हुए 182 यात्रियों को, इस फ्लाइट को पहले वापस बे पे लाया गया और 182 यात्रियों को उसमें से निकाला गया, क्योंकि उस वक्त एक फॉल्स वार्निंग, एक फॉल्स सिग्नल, एक स्पूरियस सिग्नल दे दिया गया था कि शायद देर इज अ फायर इन द पोर्ट इंजन, तो जहाज को टो करके लाया गया बे तक एग्जामिनेशन पे, बट बाद में पाया गया कि वो सिग्नल फॉल्स था, फेक था, स्पूरियस था। तो स्पीरियस वर्ड आपको इससे क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ वर्ड, फिफ्थ वर्ड मध्यस्थता करना, मीडिएट करना, बहुत ही बढ़िया वर्ड है मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब है मध्यस्थता करना। अगर आप इनको पहचानते होंगे, ये हैं श्री श्री रविशंकर जी। आपने देखा होगा तो अभी श्री श्री रविशंकर जी ने एक ऑफर दिया, एक बात बोली, उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट चल रहा है, इसमें अगर आप चाहें तो मैं मध्यस्थता कर सकता हूं, मैं मीडिएट कर सकता हूं और ऑफ कोर्ट्स, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में हेल्प कर सकता हूं। तो इस पे वीएचपी, वीएचपी विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी विश्व हिंदू परिषद, और इसके अलावा ए आई, सॉरी ए आई एम पी एल बी, ए आई एम पी एल बी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई भी, वर्ड कोट करता हूं, आउटसाइड, कोई भी आउटसाइडर इसमें इन्वॉल्व हो, मीडिएट करे। सो दिस इज आवर इश्यू, वी गोना सॉर्ट इट आउट। नेक्स्ट, अच्छा वर्ड है मीडिएट करना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिक्स्थ वर्ड है डायस्पोरा, एक्सीलेंट वर्ड। आप ये वर्ड डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं सुनते ही होंगे। अगर आपने किसी ने पिछला रैपिड फायर देखा हो, तो ये वर्ड मैंने लिया था ओला के लिए, लिया था कि ओला बैंक कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय प्रवासियों पे, प्रवासी उन्हीं डायस्पोरा को ही कहते हैं, और एंड दैट इज वाई ओला जो है वो ऑस्ट्रेलिया में एंट्री की तैयारी कर रहा है, और वहां ऊबर को वो बिल्कुल हेड ऑन चैलेंज कर रहा है। और मैंने आपको ये बताया था कि ओला में फंडिंग और ऊबर में फंडिंग दोनों सॉफ्ट बैंक ही करता है। डायस्पोरा वासी, तो हम बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा, प्रवासी भारतीय, बहुत ही अच्छा वर्ड प्रवासी। पहले आपको मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। आपने देखा होगा
राष्ट्रपति जी ने, सॉरी प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब ने ओमान के मस्कट में ये कहा कि मैं यहाँ ओमान में मिनी इंडिया देख रहा हूँ। और उन्होंने यह भी कहा कि इतनी डाइवर्सिटी और कहाँ मिलेगी बताइए। इसके अलावा फिर उन्होंने अपने पॉलिटिकल पार्टी के अचीवमेंट्स के बारे में जिक्र किया, और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। आप एक काम कीजिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज बताइएगा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब वो मिडिल ईस्ट के 3 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं, मिडिल ईस्ट के 3 देशों की यात्रा में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन तीनों देशों का नाम लिख के बताइएगा, देखते हैं आप करेक्ट करेक्ट फिगर आउट कर पाते हैं या नहीं। सेवेंथ, आज का सातवां वर्ड, सातवां वर्ड भी आज का काफी आसान है। अनफॉर्चुनेटली यह भी एक से रिलेटेड है, लेकिन एक प्लेन क्रैश से रिलेटेड है। कंडोलेंस मतलब शोक व्यक्त करना, दुख तकलीफ, कंडोलेंस। अनफॉर्चुनेटली अगर आपने कल न्यूज पढ़ा होगा तो 71 लोग, मेरे ख्याल से उसमें 6 लोग क्रू मेंबर भी थे, जो कि सारातोव एयरलाइंस में जा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली रशिया के मॉस्को के पास यह जहाज क्रैश हो गया। 71 लोग जिसमें 6 क्रू मेंबर्स भी थे सारातोव एयरलाइंस के, और अनफॉर्चुनेटली इसमें से काफी लोगों की मौत हो गई। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब ने इसके लिए कंडोलेंस व्यक्त किया है, शोक व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है। आठवां वर्ड, वर्ड है सेंसर सेंश्योर। काफी सारे एग्जाम्स में, ना सिर्फ कैट के एग्जाम में, इंडिया के बहुत सारे एमबी एंट्रेंस एग्जाम्स में, अब आप तो गेट में भी, इसके अलावा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्स में इस तरह के सिमिलर वर्ड्स, इसको मैं कहता हूँ इंग्लिश यूसेज, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये स्पेसिफिकली सेंसर सेंश्योर, ये तो कैट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मेरी तरफ से डबल स्टार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा तो अक्षय कुमार एक मूवी आई है पैडमैन, तो अभी काफी समय से बात चल रही थी कि शायद सेंसर बोर्ड, पाकिस्तान का सेंसर बोर्ड इस पे सेंसर लगा देगा और ये मूवी वहां रिलीज नहीं होगी। सो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस आर्गुमेंट को टोटली रिफ्यूट कर दिया, कैंसिल कर दिया, डिनाई कर दिया कि पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड ने बैन लगा दिया पैडमैन पे। मेरे ख्याल है कल की ही बात है, कल रात को ही बोला गया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सेंसर बोर्ड इज येट टू वॉच दिस मूवी, तो पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड अभी ये मूवी देखा नहीं, और वो देखेगा और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे, और ये मूव पॉलिटिकल नहीं होगा। पाकिस्तान से कौन देखेगा? पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड, और वह यह देखेगा कि ये सेंसर लगाना है या नहीं। तो फिर सेंश्योर क्या होता है? सेंश्योर का मतलब क्रिटिसाइज करना। सो सेंसर को सेंसर बोर्ड से याद रखिएगा, सेंश्योर मतलब क्रिटिसाइज। एक्सीलेंट वर्ड, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन भी मैंने इंग्लिश यूसेज का ही लिया है, इंग्लिश यूसेज का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। वैसे आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन भी आपके कैट के एग्जाम में पूछा गया है। कर्ब एंड कर्ब, दोनों के दोनों साउंड सिमिलर करते हैं, बट बहुत ही बेहतर है। अगर आप इन लेडी को पहचानते होंगे तो ये वर्ड आपको और मजा आएगा। सबसे पहले चीज, अभी कल शाम रात की बात है, ये हैं जिनकी फोटोग्राफ मैंने आपके स्क्रीन पर रखा है, ये है आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिन लगार्ट। सो ये आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिन लगार्ट। सो क्रिस्टिन लगार्ट ने कहा कि अरब कंट्रीज को, पहले मैं आपको एक जीडीपी की वो बता देता हूँ फॉर्मूला। जब भी आप जीडीपी निकालते हैं, देखिए जीडीपी जब भी आप निकालते हैं तो उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको और अच्छा समझ में आएगा। जब भी आप जीडीपी निकालते हैं तो जीडीपी के लिए फॉर्मूला कैसे लेते हैं? आई प्लस सी प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, वैसे एक सिंपल सा फंडा अगर मैं आपको छोटा सा बोलूं, जैसे मैं अभी छत्तीसगढ़ में हूँ राइट नाउ, तो हम इसको बोल सकते हैं आई लिव इन छत्तीसगढ़ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इसे बस याद रखने के लिए। तो जीडीपी आई सी जी एक्स माइनस एम। आई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, सी मतलब होता है कंजम्पशन, जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब इसको समझिएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। और सो आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिन लगार्ड ने कहा कि अरब कंट्रीज को पब्लिक वेजेस को जो खर्च कर रहे हैं पैसा, सरकारें वहां पे जो पैसा खर्च कर रही हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, इसे कम करना चाहिए, क्योंकि जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा इनका गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ही आ रहा है, और यह हिस्सा थोड़ा मोड़ा नहीं, 55% से भी ज्यादा है।
तो बजाय इसके अरब कंट्रीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए. सो दे नीड टू कर्ब देयर एक्सपेंसेस, और उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अरब के यूथ को नौकरी देने पे ध्यान देना चाहिए, जॉब क्रिएशंस पे ध्यान देना चाहिए. बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है. IMF के चीफ का नाम क्रिस्टन लगार्ड, ध्यान रखिएगा. तो आप कर्ब तो समझ गए. अब जैसे हम रास्ते पे चलते हैं, तो ये तो हो गया रास्ता और ये हो गया फुटपाथ. ये जो सेगमेंट होता है ये कहलाता है KERB, कर्ब. ध्यान रहेगा आपको, दोनों के दोनों बढ़िया वर्ड्स हैं, साथ लीजिएगा, याद रखिएगा. आज का आखिरी वर्ड है प्रतिबंध से रिलेटेड, दैट इज सैंक्शंस, या सैंक्शन, सैंक्शंस कह सकते, प्रतिबंध. तो प्रतिबंध, तो अभी जो प्रतिबंध से रिलेटेड कुछ भी चीज होती है वो तो नॉर्थ कोरिया से कहीं ना कहीं एसोसिएट होती ही है, तो नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड ही. नॉर्थ कोरिया को अगर आपको पता होगा, तो नॉर्थ कोरिया ड्यू कर रहा है 1 करोड़ का कंट्रीब्यूशन, 1 करोड़ का, 2018 में यूएन को, यूनाइटेड नेशन बजट में. तो नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हम प्रतिबंधों के कारण, जो हमारे पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, सैंक्शंस लगाए गए हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज बैंक पे, इसके कारण हम पैसा नहीं दे पाएंगे, और इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ही जिम्मेदार है. सो द सैंक्शंस व्हिच हैज बीन पुट ऑन आर एक्सचेंज बैंक्स, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यूनाइटेड स्टेट्स. वैसे अगर आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया को, ये रहा नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, ये जब, ये पुराना मैप है, अभी का मैप नहीं. जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ था तो कोरियन पेनिनसुला, ये पूरा रीजन कहलाता है कोरियन पेनिनसुला, आपको बता देता हूँ मैं, ये पूरा का पूरा रीजन. ये हो गया चाइना, इधर हो जाएगा रशिया, इधर नीचे आ जाएगा जापान. ये है प्योंगयांग जो नॉर्थ कोरिया कैपिटल है, और ये है सियोल जो कि साउथ कोरिया कैपिटल है. जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तो डिसाइड किया गया कि अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए, 38 पैरेलल पे इस कोरियन पेनिनसुला को डिवाइड कर देते हैं, और ऊपर नॉर्थ कोरिया पे शासन करेगा USSR, और नीचे US शासन करेगा साउथ कोरिया पे. धीरे धीरे एक समय बीतता गया और नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट होता चला गया और साउथ कोरिया डेमोक्रेटिक, मतलब कैपिटलिस्ट होता चला गया. बाद में कोरियन वॉर हुआ जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, और ये 38 पैरेलल से अब ये चेंज हो गया नॉर्थ एंड साउथ के बीच में जो विभाजन है, और ये कुछ इस तरह से हो गया. और ये जो पूरी की पूरी लाइन है, ये 2 किलोमीटर दोनों तरफ, इधर नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की तरफ, मतलब 4 किलोमीटर, तकरीबन 250 किलोमीटर, 1,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, ये डीएमजी को, डीएमजी बोलते हैं, डीमिलिटराइज्ड जोन. जब नॉर्थ, ये कोरियन वॉर हुआ था, तो कोरियन वॉर वैसे तो अनफॉर्चुनेटली फॉरगॉटन वॉर कहलाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध और इसके अलावा वियतनाम वॉर, दो हैवी वॉर्स के बीच में हुआ था, इसलिए फॉरगॉटन वॉर कहलाता है. और दूसरा एक और कारण भी है, क्योंकि ज्यादा इसका मैप अगर चेंज हुआ नहीं, अगर आप देखेंगे तो जब ये कोरियन वॉर शुरू हुआ था उसके पहले 38 पैरेलल पे लोग डिवाइडेड थे. जरा नीचे डेट देखिएगा, 25 जून 1950, 1950. तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों को ये लगता था कि वास्तविक कोरियन ये लोग हैं, तो नॉर्थ कोरिया जिसको USSR की बैकिंग थी, तो इन्होंने हमला कर दिया साउथ कोरिया पे, और हमला करते 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 लोग साउथ कोरिया को पुश करते करते ऑलमोस्ट पूरा साउथ कोरिया कैप्चर कर लिया था इस पुसान वाले रीजन को छोड़ के. अब यहां से जब यूएस की आर्मी आई, तो उसका नेतृत्व किया डगलस मैकार्थर साहब ने. तो डगलस मैकार्थर वही है जो द्वितीय विश्व युद्ध के उस जमाने के हीरो रहे हैं. तो इन्होंने एक उस वक्त आश्चर्य कर देने वाला फैसला लिया, और वो ये था कि इन्होंने पुसान से कहा कि हम एक सरप्राइज अटैक करेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, इंचियन पे, और इस सरप्राइज अटैक से हम लोग नॉर्थ कोरियन आर्मी को अचंभित कर देंगे. और हुआ भी यही. देखते जाए, अब नीचे ईयर्स को देखते जाइएगा, और इसके बाद साउथ कोरिया जो कि खत्म हो गया था, यहां से ये ऊपर चलना शुरू किया, और उसने नॉर्थ कोरिया को प्रेस करना शुरू किया, नॉर्थ कोरियन आर्मी को प्रेस करना शुरू किया. धीरे 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 यहाँ पे यालू नदी, और यालू नदी इधर चाइना आता है, यालू नदी तक चले गए थे साउथ कोरियंस. और इसके बाद जैसे ही ऐसा हुआ तो चाइना ने भी अपनी आर्मी को इसमें झोंक दिया, और जब चाइना ने भी अपनी आर्मी को झोंक दिया, तो उस आर्मी ने इनको, साउथ कोरियन फौज को दबाना शुरू किया, और दबाते 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 38वें पैरल तक आ गए. 38 पैरल तक आ गए. तो उस जमाने की चाइनीज आर्मी इतना वेल इक्विप्ड नहीं थी कि साउथ कोरियन आर्मी को इससे आगे प्रेस करे, और यूनाइटेड स्टेट्स की फौज ये नहीं चाहती थी कि युद्ध और 38 पैरल से आगे बढ़े. तो काफी समय तक युद्ध यहीं पे चलता रहा, और अंततः ये 38 पैरल का ये डीएमजी हो गया, और ये ऊपर हो गया नॉर्थ कोरिया, नीचे हो गया साउथ कोरिया. फाइन. तो इस तरह से एक छोटी सी कहानी है इसकी, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की. अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री में फॉरगॉटन वॉर के रूप में याद रखा जाता है.
तो यहाँ पे ये आज के रैपिड फायर की क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। एक बढ़िया पॉजिटिव नोट के साथ हम लोग खत्म करते हैं। द माइंड इज एवरीथिंग और थिंक यू बिकम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉट यू थिंक। एक बढ़िया सी डायरी लीजिए, उसमें अपने शॉर्ट टर्म गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स जरूर लिखिए। जितना भी वक्त लगे एक बार अपने आप को समय जरूर दीजिए, आपको बहुत आसानी होगी चीजें फिगर आउट करने में। तो इसी के साथ मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। अंटिल देन विल मीट नेक्स्ट टाइम। बाय बाय फ्रॉम माई साइड।